नमस्कार, मैं हिंदी से दूर दूर का भी रिश्ता नहीं रखता था। जब मेरा परिचय डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी से हुआ और मुझे पता चला कि उनसे मेरी दूर की रिश्तेदारी है, और वो दूर की रिश्तेदारी 1995 में मेरे हैदराबाद में हिंदी में प्रवेश करने के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बन गया, और तब से लेकर आज तक हिंदी के क्षेत्र में मैंने डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी को आगे बढ़ते देखा है, और आगे बढ़ते इसलिए देखा क्योंकि मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उनके पीछे पीछे मैं हमेशा रहा। जो उन्होंने कहा वो मैंने आँख मूंद कर किया, और उससे लाभ ये हुआ कि मेरी भी आंखें खुद की चली गई। हम लोगों ने काफ़ी ऐसे कार्य किए जिन्हें हम साहित्येतर कह सकते हैं, लेकिन वो साहित्य से इतर होने के पश्चात भी इतनी मधुर स्मृतियों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। हम लोगों ने धारवाड़ में, हम लोगों ने और NCERT में, हम लोगों ने CIFL में बहुत सारी ऐसी मस्तियाँ की जिनसे हमने हिंदी के क्षेत्र को और समृद्ध किया। आप कहेंगे मस्ती और समृद्धि, हाँ, हमने सारी सारी रात जाग करके लेखन कार्य किया। कभी मैं उनका गणेश होता था और कभी वो मेरे गणेश होते थे। आज भी जब मैं उनसे मिलता हूँ तो यही प्रतीत होता है कि जैसे कि वो गोष्ठियाँ जो हमने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के 10 नंबर प्लेटफार्म पर की थी वो फिर से आ गई हैं। डॉक्टर कविता चक्रवी जी, जो तब डॉक्टर नहीं थी, और हमारे पाणिनी चंद्रमौलेश्वर प्रसाद स्वर्गीय, और मैं और डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी 10 नंबर प्लेटफॉर्म पर कविता गोष्ठी किया करते थे। बहुत दूर से 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर चल करके हम वहाँ आते थे, और लेमन चाय पी करके हम अपने अपनी अभिव्यक्ति करते थे। विश्वम्भरा का जब गठन हुआ तो उस समय भी पीछे से पूरा जो कार्यक्रम बनाया गया, जिस प्रकार से हमने सब कार्य किया, उसके पीछे उन्हीं का हाथ था, और उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं इसमें कोई पद भी नहीं लूँगा। अब जब वो उनका वो गुप्त दान था, एक नया नाम सोचा गया, क्या करें क्या ना करें, लेकिन हम ये जानते हैं कि हिंदी के क्षेत्र में चाहे वो चंद्रमौलेश्वर प्रसाद हों या फिर गोलकुंडा दर्पण के वो सब स्तंभ लेखक हों या फिर स्वतंत्र वार्ता की वो सब लिखाई पढ़ाई हो, या फिर आदेश्याम शुक्ला जी के द्वारा एक रास्ता सुझाया गया और उस रास्ते को डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा ने हमें दिखाया, कहना यह होगा कि हैदराबाद की हिंदी की सारी गतिविधियों में प्रत्यक्ष और परोक्ष योगदान का कभी कोई आकलन होगा तो उसमें हर प्रश्न पर डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा का नाम होगा, चाहे आप माने या न माने। आज भी डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा के बिना हैदराबाद के हिंदी जगत का कोई पत्ता भी नहीं हिलता। और पत्ते की दो बात छोड़िए, हम ये कहा करते हैं सभी लोग मिलकर के कि आपकी जो भूमिकाएं हैं, आप भूमिका को जैसे कहते हैं ना कि इन्वर्टेड कॉमास में ले लीजिए, आपकी 108 भूमिकाएं, 160 भूमिकाएं हैं, और वो केवल भूमिका लेखन तक सीमित नहीं है बल्कि हर क्षेत्र में है। हिंदी जगत वास्तव में तेवरी काव्य आंदोलन तो हमने देखा नहीं, उसके बारे में बस सुना ही सुना है, लेकिन जो काव्य आंदोलन या जो
आंदोलन हैदराबाद के माध्यम से दक्षिण की हिंदी पत्रकारिता, दक्षिण के हिंदी लेखन, दक्षिण के विश्वविद्यालयी शिक्षण और दक्षिण के हिंदी और हिंदीतर भाषी लोगों के बीच में अपनी जगह बनाते हुए, लोगों को प्रेरित करते हुए, साथ लेते हुए उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि जिसे हम कह सकते हैं कि वे अपने आप में एक संस्था हैं। और ये जो षष्टिपूर्ति का अवसर है, यह अवसर हमें यह अपनी तरफ से कहने के लिए प्रेरित करता है कि उन्हें धन्यवाद देने के बजाय हमें ये चाहिए कि हम ये कामना करें कि अब वो अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ हिंदी के क्षेत्र को और समृद्ध करें, और लिखें, और प्रेरित करें। और अब तो हमारी पीढ़ी नहीं बल्कि नई पीढ़ी, इसमें कुमार राव जैसे कवि हैं, उनको भी आगे बढ़ाएं। नई पीढ़ी उनसे और नई आशा रखती है, क्योंकि उन्होंने उनका युवा पर नहीं देखा, इसलिए षष्टिपूर्ति का अर्थ है नव युग और नव युवापन उनके जीवन में आए और वे प्रेरित करें। मेरी यही शुभकामना है, मेरी यही कामना है। मैं भी उनके पीछे चल रहा हूँ और चला हूँ और चलता रहूँगा और चला था, इसका मुझे अपने आप में संतोष और गर्व भी है। धन्यवाद।